दशरथ जी के चार पुत्र थे, कौशल्या से राम और केकय से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न पुत्र थे। मंत्रा राम की बुआ थी। कई केकय तुम कहाँ हो? हाँ हाँ कहो मंत्रा, क्या बात है? आप मेरा भाई बूढ़ा हो चला, आप राम को अयोध्या का राजा बनाएंगे, तुम इस विषय पर विचार करो। हाँ हाँ मंत्रा, यहाँ बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं, तुम ठीक ही कह रही हो, आज ही मैं दशरथ जी से बात करूँगी। आओ कहके आओ। स्वामी स्वामी, आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आई हूँ, क्या आप मुझे वो देंगे? हाँ मैं दूंगा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? पहले आप मुझे वादा कीजिए कि आप अपनी बात से इनकार नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ, मांगो। आपने मुझे वचन दिया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि भरत अयोध्या का राजा बने और राम को 14 वर्ष का वनवास हो। अरे ये तुम क्या कह रही हो, ये कैसे संभव हो सकता है? राम तो इस घर का बड़ा लड़का है। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। महाराज आपने मुझे वचन दिया है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं कोपभवन चली जाऊंगी और कभी लौट कर नहीं आऊंगी, और आप अपने वचन से झूठे हो जाएंगे। पिताजी पिताजी, आज क्या बात है, आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पुत्र, मेरी तबीयत तो ठीक है, परंतु। परंतु क्या पिताजी, कहिए अब चुप क्यों हो गए? पुत्र आज मैं तुम्हें 14 साल के लिए वनवास भेज रहा हूँ। माँ आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ पुत्र, कहो क्या बात है? माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि पिताजी का दिया वचन पूरा कर सकूं। नहीं पुत्र, ये कैसे संभव हो सकता है, तुम कैसे जाओगे, राजमहल को छोड़कर वहाँ कैसे रहोगे? जिद मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ राम। नहीं माँ, जैसे आप मेरी माँ है वैसे ही कई भी मेरी माँ है, इसलिए पिताजी का दिया वचन झूठा नहीं होने दूंगा। ठीक है पुत्र, जाओ। स्वामी आपके साथ मैं भी चलूंगी। नहीं सीता, नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, रास्ता बहुत कष्टदायक है, तुम उसे सहन नहीं कर सको। नहीं स्वामी, जब आप मेरे साथ है तो मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं सभी कष्ट सह सकती हूँ। भैया भैया, मैं आपके साथ आऊँगा। नहीं लक्ष्मण, नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। नहीं भैया, मैं आऊँगा। माँ माँ, पुत्र क्या बात है? मैं भैया के साथ जाऊंगा। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है, तुम नहीं जाओगे क्योंकि तुम राजमहल को छोड़कर कैसे रह पाओगे, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगी। नहीं माँ, मैं जाऊंगा, भैया आप चलिए। मंत्री मंत्री कहाँ हो तुम, इधर आओ। महारानी क्या आज्ञा है?
तुम इसी वक्त जाकर भरत को उसके नानी के घर से ले आओ। जैसा आप कहें। भैया भैया आप कहा है, मैं आ गया। भरत अच्छा हुआ तुम आ गए, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। क्यों माँ? तो सुनो, मैंने तुम्हारे भैया को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया। आप ऐसा क्यों किए? मैं चाहती हूँ कि तुम अयोध्या के राजा बनो। नहीं माँ नहीं, मैं नहीं, राम भैया ही ये अयोध्या का राजा बनेंगे। अभी इसी वक्त मैं ये जंगल जाकर राम भैया को लेकर आऊंगा। सीता, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी जाकर आता हूँ। ठीक है स्वामी। मैं भैया को देखकर आता हूँ, हाँ तुम यहाँ रहो। नहीं लक्ष्मण नहीं, मैं वन में अकेली हूँ, मुझे डर लगता है। भाभी भाभी, मैं यहाँ लक्ष्मण रेखा खींच कर जाता हूँ, हाँ और कोई तो भी अंदर आए तो वो भस्म हो जाएगा। भूखा हूँ माँ, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ खाने को दो। नहीं नहीं, मैं भिक्षा नहीं लूंगा। क्यों, तुम्हें मालूम नहीं कि रेखक के अंदर से दान नहीं दी जाती है? आपको दान देना है तो बाहर आके दो माँ। सीता, तुम कहाँ हो? सीता, सीता। भाभी भाभी, ये क्या हुआ लक्ष्मण, ये क्या हुआ, कैसे हो गया? मुझे नहीं पता है। आप लोग इस प्रकार चुप क्यों है, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। भाभी नहीं दिख रही है। मैं आपको पता करके बताऊंगा। बेटो, क्या कुछ पता चला सीता जी का? मुझे पता चल गया कि सीता मैया कहाँ है। कहाँ है हनुमान? कहाँ कहाँ है हनुमान, जल्दी बताओ। उसे रावण लंका ले गया। तब कैसे होगा, समुद्र को पार करना मुश्किल है। आप चिंता मत करिए महाराज, मैं समुद्र में अपनी वानर सेना से बांध बनाऊंगा। इस तरह पराई स्त्री को लाना ठीक नहीं है, आप इसी वक्त जाकर इन्हें पहुंचा दीजिए। नहीं नहीं मंदोरी, मैं वापस नहीं पहुंचाऊंगा, मैं अपने बहन की बदला लेकर ही रहूंगा। नहीं स्वामी नहीं, आपको यह शोभा नहीं देगा, इस पर फिर से विचार कीजिए। मैंने कहा ना, मैंने सोच लिया, मुझे किसी का भय नहीं है, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं भी लंका का राजा हूँ। तो ठीक है स्वामी, जैसी आपकी मर्जी है। आप कौन हो, कहाँ से आए और क्यों आए हैं? मैं हनुमान हूँ, मैं चित्रकूट से आया हूँ और मैं सीता मैया को लेके जाने आया हूँ। मैं नहीं, वापस नहीं पहुँचाऊंगा। रावण, तुम्हें सीता को लाकर अच्छा नहीं किया, अभी भी तुम मेरे बातों को सुनो और सीता को लौटाओ। नहीं सुने तो? नहीं तो मैं युद्ध करूंगा, युद्ध में तुम मेरे हाथों में हार जाओगे। लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण नहीं, इसे मैं देख लूंगा। राम है राम।